व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विराल। इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। जी हां गाइस, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप्स को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं स्लाइड पे आऊं तो हमारे पास देखें टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट में, इनके यहां पर नंबर टाइप है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, एनी है, ठीक है, स्ट्रिंग अरे एंड नंबर अरे, ठीक है, ओके। तो हम आज इनको सबको डिस्कस करेंगे। तो मैं आता हूँ अपने एडिटर पे, और गाइस लास्ट जो भी हमारी जो फाइल फोल्डर हमने क्रिएट किए थे, मैं उन्हीं पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो डॉट टी एस, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं ओके, अगर मैं लेट, और मैं ऑलवेज लेट ही यूज़ करूँगा, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट में। तो लेट यहाँ पर मैं ओके लेता हूँ माई नंबर, ठीक है, और इसको मैं टाइप देता हूँ मेन के नंबर। तो गाइस इसको आप इस तरीके से भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेट से मैं अगर 25, इस तरीके से भी आप इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं नंबर पे होवर करता हूँ तो देखें लेट माई नंबर, ओके ओके। तो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है, ओके, इस तरीके से हमारे पास लेट ओके लेट माई स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमारे पास टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ओके। इस तरीके से लेट माई बूल, ओके, तो क्या है, बूलियन, ओके। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ देखें इनके ऊपर, तो क्या है माई बूल, क्या है बूलियन, ठीक है, ये वेरिएबल क्या है, बूलियन, ओके। तो ये क्या है, स्ट्रिंग, ओके। तो इस तरीके से नीचे आता हूँ मैं, लेट ओके, तो माई एनी, ठीक है, यानी कि एनी टाइप का कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एनी दे देते हैं। अगर मैं होवर करता हूँ तो देखें एनी टाइप, ओके ओके। तो अगर यहाँ पर लेट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ माई स्ट्रिंग str अरे, ठीक है, तो आप ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें स्ट्रिंग और यहाँ पर अरे, ठीक है, और इस तरीके से लेट ओके, यहाँ पर कॉलन आएगा, ठीक है। तो देखिए स्ट्रिंग अरे, इस तरीके से माई और नंबर अरे, ठीक है, आप माई नंबर अरे भी ले सकते हैं। यहाँ पर नंबर ओके नंबर स्क्वायर ब्रैकेट सेमी कॉलन सेव, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हमारे पास जो, यानी कि हमारे पास टाइप है, ठीक है, स्ट्रिंग है, नंबर में कुछ भी आ सकता है गाइस, आप बैनर नंबर लें या पॉइंट में लें, जैसे भी लें, ठीक है। तो अगर मैं आप इनको कॉल करूँ, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि माई नंबर ओके माई नंबर, ठीक है, तो नंबर को कॉल करता हूँ सिर्फ, ओके, और इसको वैल्यू साइन करता हूँ 25, ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ओके, और यहाँ पर माई नंबर, ओके, यहाँ पर सेमी कॉलन सेव, ओके। तो अब इसको मैंने कंपाइल करवाना है। तो गाइस मैं आता हूँ अपने CMD पे और देखें डायरेक्टरी चेक करता हूँ, तो देखें TS का जो फोल्डर हमने फर्स्ट लेक्चर में जो क्रिएट किया था, ओके, तो वही मैं यूज़ करूँगा, CD TS। डायरेक्टरी चेक करूँ तो गाइस देखें सिर्फ हेलो डॉट TS का फाइल है और index.html का, ओके। तो मैं टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर यूज़ करूँगा और यहाँ पर हेलो डॉट TS, ओके, और यहाँ इसको वॉच मोड पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखें वॉचिंग मोड पे लग गया ये, ओके। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ और इसको ओके, मैं इसको अपने फोल्डर में जाता हूँ यहाँ पर TS, और इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो देखें आप कंसोल पे क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट ओके कंसोल, तो देखें 25, ओके। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर लूँ स्ट्रिंग, ओके स्ट्रिंग, ओके माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग, ओके, और यहाँ पर भी मुझे अब लिखना पड़ेगा माई स्ट्रिंग, ठीक है, माई स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने ये वेरिएबल लिया था, तो यहाँ पर देखिए मुझे एक एरर आ रहा है, उसमें क्या है कि एरर क्या है, टाइप जो है इज़ नॉट असाइनेबल, ओके। तो देखिए मैंने की एरर दे रहा है कि ये देखिए मैंने जो आगे जो वैल्यू असाइन की हुई है वो कि एक स्ट्रिंग नहीं है, ओके, तो मुझे स्ट्रिंग असाइन करनी पड़ेगी। मैं लिख देता हूँ हेलो स्ट्रिंग हाउ आर यू, ओके, कुछ भी आप लिख दें यहाँ पर, ठीक है, सेव। तो अब जो एरर नहीं आएगा आपको, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो हेलो स्ट्रिंग हाउ आर यू, ओके। इस तरीके से फिर मैं यहाँ पर अब यूज़ करता हूँ बूल, तो गाइस बूलियन जो वैल्यू होती है माई बूल, ओके, तो ये ट्रू फॉल्स में होगी। देखिए एरर नीचे आपको शो हो रहा है, तो देखिए ये देखें, ठीक है,
तो बूलियन वैल्यू को हम देते हैं ट्रू फॉल्स। ओके सेव। अगर रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, ओके तो देखें यहाँ पर आपको ओके अनडिफाइंड शो हो रहा है, तो यहाँ पर हमें इसको करना पड़ेगा माई बूल। ओके सेव। अगर रिफ्रेश करूँ यहाँ पर तो माई बूल। ओके तो इस तरीके से गाइस आप कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं यूज़ करना चाहूँ माई एस टी आर अरे, माई एस टी आर अरे, ओके तो यहाँ पर गाइस मुझे अरे को असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें ओके ओके यहाँ पर ओके तो फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ वन, ओके वन, ठीक है ये होगा टू, ये होगा थ्री, ये होगा फोर, ओके सेव। और यहाँ पर भी मुझे इसको कंसोल में माई एस टी आर अरे, ठीक है सेव। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें यहाँ पर आपको अरे शो हो रही है इस तरीके से, ठीक है वन टू थ्री, ठीक है और ये इसके इंडेक्स है ज़ीरो वन टू थ्री। ओके तो इस तरीके से यहाँ पर मैं अगर माई नम नंबर अरे यूज़ करूँ यहाँ पर तो इन सबको मैं रिमूव करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर, ओके तो यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ेगा माई नम, ओके माई नम, ओके माई नम अरे, ठीक है सेव। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर देखें आप यहाँ पर आपको देखें अरे शो हो रही है यहाँ पर वन टू थ्री और उनके इंडेक्सेस। ओके तो गाइज़ ये थे हमारे पास टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट। ओके तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।